हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप बेहतर तरीके से होंगे और बेहतर तरीके से अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी प्रिपरेशन की सीरीज में हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करते हैं, सुपर 100 नीट। ठीक है, नीट मतलब ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन हमारी जो बुक है हैश रैंक नीट रैंक बूस्टर, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हो पब्लिशर की वेबसाइट से। तो वो जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें मैंने अपने 10 साल के अनुभव से बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं और जो आपकी नीट रैंक में एक अच्छा सा टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन, और इसके PDF भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये कहते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ एंड थिकनेस इज गिवेन बाई या ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है जिसका ज्योमेट्रिकल लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस ये दिया हुआ है। तो अगर कोई ब्लॉक है, ये क्यूबॉइड है, तो इसकी आपकी पहले से लेंथ ब्रेड्थ और ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये लेंथ और ये बेसिकली ये ब्रेड्थ और ये हाइट, चलो मान लो दिया हुआ है, हाइट को यहाँ से T से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एरर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम का डिफिनेशन क्या होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम देखूंगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड मल्टीप्लाइड बाई हाइट थिकनेस T। तो अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 यूनिट सेम है, 12 और ये 2.425, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 176.4 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, लेकिन ये तो मैथमेटिकल सोल्यूशन है ना, ये क्या है, एक मैथ्स है, ठीक है ना, एक मेजरमेंट है। हमें चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर मैं इसमें ऐड करूँगा, तो सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं, तो मल्टीप्लाई और एड मल्टीप्लाई या डिवीजन में हम लोग ये देखते हैं कि आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए जितना जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हो। जैसे 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 में इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3। तो अब आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो मिनिमम 1 है तो आंसर में 1 होगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। मतलब इन तीनों को मैं ड्रॉप करूँगा, 76.4 को ड्रॉप करूँगा, तो 7 को ड्रॉप करूँगा, तो ये 2, ये ऐसे बनेगा 2 और into 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो इस B में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होता है। इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आप देखोगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लेकिन ये जो है 2 एग्जैक्ट मैच कर रहा ना, दैट्स वाई द बी ऑप्शन इसका सही है।